मैं आपके सामने बैठा हुआ, मैं भी सरकारी नौकर था, बाद में सरकारी नौकरी छोड़कर प्रभु जी ने गुरुदेव जी की साधना परंपरा में आया। गुरु जी ने भी मेरी परीक्षाएं बहुत ली, 7 साल 10 साल तक परीक्षाएं ली। लेकिन जिस दिन दिल्ली के आश्रम में मैं गुरु जी की चरणों में गया और कहा कि गुरु जी इस जिंदगी को ऐसा दो, या तो मेरे सामर्थ्यवान शिष्य बनाओ या नहीं तो मुझे मृत्यु दे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपका असमर्थ शिष्य बनकर जीना नहीं चाहता। और गुरु जी ने आज तक आज भी वो दिन याद है, गुरु जी ने कहा जोशी तो मेरी परीक्षा में हो 10 साल हो गए थे, मैं भूल जाते हैं, बहुत सारी साधनाएं करता था, कोई सफलता नहीं मिलती थी, बहुत विफलताएं झेलनी पड़ी, लोगों के ताने सुनने पड़े, इवन माँ बाप के ताने भी सुनने पड़े, मेरे दोस्तों के ताने सुनने पड़े, मैं सुनता था। लेकिन जिस दिन गुरु जी ने कहा कि जोशी तो परीक्षा में पास हो गया है, उस दिन से मैंने कभी पलट के नहीं देखा, मेरे पीछे वो सारे देवताएं थे। आज भी मैं आपको इस मंच पर बैठ कर कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी साधना करूं और उस देवता का आह्वान करूं तो मेरे घर के सामने देवता खड़े होते हैं। आज कोई भी आप यहाँ तक यार लोग आए हैं, यहाँ निखिल चेतना के लोग आए हैं, किसी को भी आप कुछ कर एक बात मालूम कर लेना, मैं 24 साल से आश्रम चला रहा हूँ। एक बार आप आश्रम में प्रवेश कर जाओ, आपको रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, और केवल आप साधना करके चले जाओ, ऐसी व्यवस्था मैंने करके रखी है। और इसके लिए क्या कष्ट होता है, आपको एक परिवार चलाने के लिए कितना कष्ट होता है आप जानते हैं, लेकिन मैं ऐसा परिवार चलाता हूँ जो आज आश्रम में कम से कम 200-300 लोग रोज के रहते हैं, जिसके बाद भी आज हर अमावस्या को 1000 लोग आते हैं, मैं उनको खाना और फ्री देकर साधना देता हूँ। यह उस साधना की शक्ति है, उस गुरु जी की शक्ति है जिसने मुझे दी है। मैंने भी धारा साधना संपन्न की, क्यों नहीं करूंगा। गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा में कहा था, जोशी अगर लक्ष्मी मेरे आंगन में नाचती है तो तेरे आंगन में भी नाचेगी। आज गर्व से कहता हूँ कि गुरु जी के वचन सिद्ध है, मेरे आंगन में भी लक्ष्मी नाचती है। और मैं आज इतने लोगों को अगर चलाता हूँ, इतने लोगों को खाना खिलाता हूँ, एक मैं सामान्य परिवार का मनुष्य, न मेरे सास ससुर से पैसे आए, न कोई माँ बाप से पैसे दिए, केवल साधना के बल पर चलाता हूँ। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज भी अगर आप देखते हैं तो मैंने जो मेरे पास आए हैं वो लोग जानते हैं, मंदिर का 1/4 हिस्सा तो पूर्ण हुआ, गुरु मंदिर दशमाध्याय के साथ बांधना चाह रहा हूँ, और केवल यह कह के मैं बांधना चाहता हूँ कि मैं गुरु मंदिर बांध रहा हूँ, इस नाम पर पैसे लेकर साधना मंदिर नहीं बनना चाहता, मेरे साधना के बल पर मंदिर बांध के बताऊंगा। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, जियो तो ऐसे जियो गुरु जी का नाम लेकर, आपके परिवार को सुख संतोष के साथ रहते हुए 10 परिवारों को जीने की कला सीखो और साधना के बल पर उतना धन कमाओ, उतना पैसा कमाओ। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धन का दुरुपयोग करना बुरी बात, धन क्यों नहीं कमाना चाहिए। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली कहते हैं तो महासरस्वती का अर्थ होता है ज्ञान को प्राप्त करना, महालक्ष्मी का अर्थ होता है घर पूर्ण घर दार सब कुछ होना, वाहन होना सब कुछ होना, और महाकाली का अर्थ होता है आप शक्ति संपन्न हो, निरोगी हो, आपके पास शक्ति निशक्त न हो और आरोग्यवान हो, ये 3 शक्तियों को महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली कहा गया। और जब इन 3 साधनाओं को करते हैं और इन 3 साधनाओं के जो देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, हम उनको गुरु के रूप में ब्रह्मा विष्णु गुरु महेश्वर गुरुदेव महेश्वर कहते हैं, तो हमारे पास ही क्यों ना हो, हमारे पास इसका ज्ञान क्यों ना हो, हम क्यों प्राप्त ना करें। मेरा केवल उन लोगों से निवेदन है, उन लोगों को मैं चाहता हूँ जो एकदम नीचे स्तर पे हैं और जिनको कोई सहायता करने वाले नहीं है, ऐसे लोगों को मैंने गुरु से मांगा था कि मैं सहायता कर सकूं, मैं देश में ऐसा एक व्यक्ति तो खड़े रह सकूं जो स्वामी निखिलेश्वर जी के मंत्र करता है और उसको मैं फ्री हॉस्पिटैलिटी, उसको फ्री दवाखाना दे सकूं, उसको रहने के लिए जगह दे सकूं, उसके दुखों में मैं आकर खड़े रह सकूं, उसको सहायता कर सकूं, इतनी शक्ति प्रभु मुझे प्रदान करना। और जहां तक मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूं, मैं और भी चाहता हूं, कोई दुखी आता है तो मुझे दुख होता है कि उसके दुख को किस तरह निवारण करूं। वह गुरु है मैं आपको कहता हूं जो शिष्य के हर कष्टों में साथ रहे, खड़े रहे, कम से कम साथ ना दे सके, उसको कहे कि मैं हूं तेरे पीछे, ऐसा करने वाला गुरु है। केवल पैसे लेकर चले जाए और उसके उसको जवाब न दे कि गुरु कहलाने नहीं कहलाता और गुरु नहीं कहलाना चाहिए। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं, गुरु जी की शिष्य की भावनाएं, शिष्य की भावनाओं के साथ ना खेले। और जो अपने शिष्य को एक श्रेष्ठ सामर्थ्यवान नहीं बनाता वो गुरु कहलाने के लायक भी नहीं। आप हर गुरुकुल में देखें जितने गुरुकुल साध्वी परी महामुनि के कुल का गुरुकुल क्यों ना हो या फिर वशिष्ठ महर्षि का गुरुकुल क्यों ना हो, वहां आपने देखा है आज वशिष्ठ महर्षि आश्रम में हम सुनते हैं कि उनके आश्रम में कामधेनु थी, आज वो विद्या कहाँ है,
कामधेनु के बल पर उन्होंने राजा महाराजाओं को चांदी के थाली में अप्सराओं के साथ खाना परोसा था। क्या वो भीख मांगने गए थे किसी राजा तुम्हारा राजकुमार आया मेरे को पैसे दो ऐसा मांगने गए थे? वे अपने ब्रह्मदंड पर, अपने शक्ति पर, अपने कामधेनु की शक्ति पर, अपने लक्ष्मी पर अपना आसन चलाते थे। वो गुरु थे। आज वो गुरु परंपरा कहाँ चली गई? आज वो कामधेनु की परंपरा कहाँ चली गई? आज गुरु जी अगर तारा साधना के बारे में लिखते हैं कि तारा तुम्हारे सर के नीचे तीन थोड़ा स्वर्ण रखे तो वो साधना कहाँ गई? क्या गुरु जी झूठे थे? कभी तो हमारे में हम अगर साधना निश्चित रूप से करें, हमारी भावनाओं को श्रेष्ठ रखें, तो हम उस साधना को प्राप्त कर सकते हैं और आज भी हम उस जीवन को जी सकते हैं जो ऋषि परंपरा में थी। शिष्य के पैसों पर पलने वाला मुझे यहाँ तक है वो गुरु कहलाने के लायक नहीं। शिष्य के हर दुख में अपना सहभाग देने वाला वो गुरु है। शिष्य के दुख को सुनने वाला गुरु है। शिष्य के दुख को देखने वाला गुरु है। शिष्य का सहायक गुरु है। और यह जब तक नहीं होता तब तक हम आजकल के गुरुओं को जो देख रहे हैं आप, जो केवल पैसों पर पलते हैं, शिष्य के पैसों पर पलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो गुरु कहलाने के लायक है। अगर तुम्हारे में तुम्हारी साधनाओं में शक्ति है तो तुम लक्ष्मी साधना क्यों नहीं करते? तुम वो तारा साधना क्यों नहीं करते? शिष्य को पैसा क्यों नहीं बांटते? शिष्य को क्यों वो सिद्धि प्रदान नहीं करते? क्या तुम सिद्ध हो? क्या तुम सिद्ध हो? ये सिद्धि प्रदान बता सकते हो कि तुम्हारे में ये सिद्धि है? अगर है तो फिर ये बातें क्यों? मैं आज आपके सामने बैठा हूं क्योंकि मेरा परिचय देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे समझें। मेरी इच्छा क्या है? मैं चाहता हूं कि जो भी गुरुपद पर बैठे हुए हैं वो शिष्य के दुख को समझे। शिष्य किसी आपके पास आता है अपने अच्छी बुराइयों को लेकर आता है। अगर आप ये कहकर कहते हैं कि मैं तुझे शक्तिपात दीक्षा देता हूँ तू चला जा, या मैं तुझे ये देता हूँ दीक्षा देता हूँ तू लेकर चला जा, तू गुरुचर पहन चला जा, ये कहता हूँ, तो क्या उसके घर में हो सकता है? आप अगर एक बार एक शिष्य को कहें कि भाई तू तारा साधना कर, इतने दिन की साधना है, तू गुरु मंदिर से 12-5 लाख कर, जिसके घर में बेटी जवान हो, उसकी शादी होनी हो, जिसका घर में बाप बीमार पड़ा हो, जिसके घर में अशक्त हो, उसको अगर तुम साधना करने के लिए कहो तो क्या वो साधना कर सकता है? वो अपने बेटी बाप को देखेगा या बेटी जवान बेटी की शादी को देखेगा या फिर साधना करेगा? उसकी उस समस्या को तुम हल करो तो तुम्हारी कौन सी भी साधना करने के लिए तैयार रहता है। क्या उस समस्या का तुम समाधान दे सकते हो? और जिस दिन समस्या का समाधान दे सको आपसे निश्चित रूप से गुरु और आप उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी कर सकते हो। मैं गुरुपद की निंदा नहीं कर रहा हूँ या आजकल के गुरुओं की निंदा नहीं कर रहा हूँ। भाई गुरु का कर्तव्य ये होना चाहिए कि शिष्य के हर कष्टों में वो भाग ले, हर कष्टों के सामने वो खड़ा हो, गुरु जी के उसको गुरुदत्व प्रदान करे। केवल ये बात ना कहें कि हम गुरुपद पर बैठे हैं, आप कुछ नहीं गुरु मंत्र जप करो आपको सब कुछ हो जाएगा। अरे सब कुछ होता तो आज ये दिन क्यों देखना पड़ता? उसके घर में कितनी समस्याएं हैं, उसके घर में बीमारी है, उसके घर में धन का अभाव है, उसके घर में, और तुम कहते हो तू इतना धन दे दीक्षा ले ले मेरे पास, तू इतना धन दे ले मेरे पास ये ले ले, ये कहां तक सही है? क्या हम उसके उस दुख का निवारण कर सकते हैं? और जब तक हम शिष्य के दुख का निवारण नहीं कर सकते हम गुरु कहलाने के लायक नहीं। हम पहले गुरु के शिष्य के हर उस वचन में, गुरु शिष्य के हर एक दुख में हम भाग लें तो हम गुरु हैं, हम गुरु कहलाने के लायक, हम गुरु कह सकते हैं, हम गुरु को गुरु कह सकते हैं। मैं ये बात आपको भी नहीं कह रहा, आप अनुभव करें, आप अनुभव करें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे भी गलत आप कह सकते हैं, उठकर कह सकते हैं कि आप गलत हो, वो भी लोग सही। मैं चाहता हूं कि एक ऐसी परंपरा आरंभ हो जिसमें शिष्य के दुख को मिटाने, शिष्य के कष्टों को निकालने और शिष्य को एक अच्छे से सम्मान पर लगाने की शक्ति गुरु गुरु को रखनी चाहिए और गुरु उस मार्ग से आगे चलना चाहिए। अगर गुरु के दुख, शिष्य के दुखों को गुरु नहीं पहचानता या शिष्य के पैसों पर अगर गुरु पलता है तो वो गुरु शिष्य की परंपरा नहीं। ये मेरा कथन है और मैं उसी मार्ग को लेकर चल रहा हूँ, चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो। मैं आज भी साधनाएं करता हूँ, आज भी जंगलों में जाकर साधना करता हूँ, आज भी मैं तपस्या करता हूँ। तपस्या का अर्थ होता है अपने शरीर को ताप देना, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना। तपस्या उसे कहा गया, तुम तप जाओ तब उसे तपस्या कहलाएगी। फैन के नीचे बैठकर कहते हुए मुझे साधना सिद्ध नहीं हुई, ये कहना गलत है। आप जब तक इस बात को लेकर नहीं चलते कि आपको साधना करनी है, आपको साधना करने के बाद एक बार फल नहीं मिला दूसरी बार आप गुरु पर विश्वास रखकर साधना करते हो तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि अभी समस्याओं का समाधान आपको साधना के रूप में मिल सकता है। और गुरु जी ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की, आप साधक बनो।